हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। बहुत बहुत स्वागत करता हूं मैं आपका अपने यूट्यूब चैनल में। आज की वीडियो में इस जो आप देख रहे हैं मेरे हाथ में, ये 6280 IC के नाम से एक बोर्ड आता है। इस बोर्ड को आज हम जो ब्रिज मोड में लाते हैं, इस बोर्ड को वही करके देखने वाले हैं। यानी आज की वीडियो में आपको इस बोर्ड को ब्रिज मोड में लाकर बताने वाला हूँ। तो आखिर ये बोर्ड होता है एक स्टीरियो एम्पलीफायर बोर्ड होता है। यानी इस आईसी में आपको यहाँ पर दो चैनल देखने को मिलते हैं, लेफ्ट राइट। तो यहाँ पर मैं दोनों चैनल को एक ही चैनल बनाकर यानी इसे मोनो एम्पलीफायर बनाकर बताने वाला हूँ, जिससे कि इसकी आउटपुट पावर बढ़ जाती है। यदि इसकी आउटपुट पावर की बात करें तो इसकी आउटपुट पावर 9+9 यानी 18 वाट की आईसी होती है। यानी 9 वाट का एक चैनल और 9 वाट का एक चैनल। और यदि इसे हम पैरेलल कर देते हैं तो एक ही चैनल यानी दो ही वायर से हमें आउटपुट मिलता है, वो 18 वाट का आउटपुट देखने को मिल जाता है। यानी ये 18 वाट का मोनो एम्पलीफायर बन जाता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए, ब्रिज मोड में यानी किसी भी एम्पलीफायर को ब्रिज मोड में लाने के कुछ पैरामीटर्स होते हैं, कुछ तरीके होते हैं। तो देखिए, कुछ तरीकों की यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ। तो देखिए, किसी भी एम्पलीफायर को ब्रिज मोड में लाने के लिए तीन तरीके होते हैं। एक रेजिस्टेशन से हम किसी भी एम्पलीफायर को ब्रिज मोड में ला सकते हैं। एक होता है आईसी, जिससे हम एक आईसी का यूज करके हम उस एम्पलीफायर को ब्रिज मोड में लाते हैं। और एक होता है ट्रांसफार्मर मेथड, तो हम वहाँ पर एक ट्रांसफार्मर का यूज करके उसे ब्रिज मोड में ले आते हैं। तो आज की वीडियो में इसे रेजिस्टेशन के जरिए इस एम्पलीफायर को ब्रिज मोड में करके आपको बताने वाला हूँ। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो वीडियो को कृपया लास्ट तक देखिएगा। तो मैं पहले इस बोर्ड की आपको बेसिक सी डिटेल दे देता हूँ। तो देखिए, आप ये वाला पॉइंट देख रहे हैं, ये वाला एक चैनल का इनपुट होता है। ये वाला पॉइंट आपको यहाँ पर क्लियर से नजर आएगा। ये वाला पॉइंट आप देख पा रहे हैं, ये वाला पॉइंट ये एक चैनल का इनपुट होता है और ये दूसरे चैनल का इनपुट होता है। और यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ये दो कैपेसिटर लगी हुई हैं, ये दो कैपेसिटर। इन दोनों कैपेसिटर के माइनस माइनस टर्मिनल्स हमारे आउटपुट होते हैं, जहाँ पर स्पीकर कनेक्ट होता है। तो देखिए, एक स्पीकर पॉइंट यहाँ पर कनेक्ट होता है इस पॉइंट के साथ, और दूसरे स्पीकर का वायर यहाँ पर कनेक्ट होता है, और एक स्पीकर का पॉइंट जे एन डी के साथ कनेक्ट होता है। यानी स्पीकर के जो दो वायर होते हैं, एक जे एन डी के साथ कनेक्ट होता है, यहाँ पर इस कैपेसिटर के नेगेटिव टर्मिनल्स के साथ कनेक्ट होता है। तो यदि हम इसे ब्रिज मोड में लाते हैं तो जो हमारे स्पीकर कनेक्ट होगा दोनों कैपेसिटर पर कनेक्ट होगा, यानी दोनों चैनलों के पॉजिटिव पॉजिटिव टर्मिनल्स पर कनेक्ट होगा। यहाँ पर हमें जी एन डी की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। और देखिए, इसके जो आप देख रहे हैं एक इनपुट यानी एक चैनल के इनपुट को आपको यहाँ पर जी एन डी करना होगा, यानी जी एन डी के साथ इसे कनेक्ट करना होगा, यानी साइलेंट करना होगा। तो मान लीजिए हम इस चैनल के इनपुट को जी एन डी के साथ कनेक्ट कर देंगे, तो क्या करना होगा कि यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि किसी भी आईसी में दो इनवर्टिंग यानी दो इन आपको इन जो इनपुट होते हैं वो देखने को मिल जाते हैं। तो एक नॉन इन्वर्टिंग इनपुट, एक इन्वर्टिंग इनपुट। तो देखिए, नॉन इन्वर्टिंग इनपुट पर हम सिग्नल देते हैं, और नॉन इन्वर्टिंग इनपुट पर एक जो नेटवर्क लगा होता है कैपेसिटर रेजिस्टेंस का, तो ये यहाँ पर ये नेटवर्क लगा हुआ है, आप देख सकते हैं। यदि इस साइड से इसकी पिन काउंटिंग स्टार्ट करें तो 1 2 3 4 4 नंबर पिन पर यहाँ पर एक कैपेसिटर लगा हुआ है, उसके बाद एक रेजिस्टेशन लगी हुई जो कि जी एन डी के साथ कनेक्ट। तो देखिए, यहाँ पर जो कैपेसिटर और रेजिस्टेशन का कॉमन पॉइंट है ये वाला पॉइंट, इस पॉइंट पर हमें एक रेजिस्टेशन लगाकर इस चैनल के आउटपुट के साथ कनेक्ट करनी होगी। तो चलिए हम यहाँ पर करते हैं और इसकी कनेक्शन वगैरह को देखते हैं। पावर सप्लाई के सोर्स के लिए मैं यहाँ पर ये बैटरी यहाँ पर यूज कर रहा हूँ। 12 वोल्ट का अदर सोर्स भी यहाँ पर यूज कर सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स, आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि हमने यहाँ पर पावर सप्लाई के लिए एक रेड वायर यूज किया, एक ब्लैक वायर। तो ब्लैक वायर हमारे यहाँ पर पॉजिटिव है, और रेड वायर हमारे यहाँ पर जी एन डी है। तो यहाँ पर आप इस बात का यहाँ पर ध्यान रखेंगे। तो देखिए, यहाँ पर ध्यान देने वाली बात ये है कि यहाँ पर मैं सारे कॉन्सेप्ट को क्लियर करने की कोशिश करता हूँ किसी भी वीडियो में। तो यहाँ पर मैं यहाँ पर ये ध्यान रख रहा हूँ कि पहले आपको सभी स्टेप बाई स्टेप इस वीडियो को बताऊं, ताकि आपके मन में कोई भी कन्फ्यूजन ना क्रिएट हो। तो यहाँ पर मैं बारी बारी किसी दोनों चैनल आपको टेस्ट करा देता हूँ, ताकि आपके मन में कोई भी कन्फ्यूजन आ रहे कि इस आईसी के कोई भी चैनल यहाँ पर ख़राब है। तो दोनों चैनल की मैं आपको यहाँ पर साउंड सुना देता हूँ, फिर हम इसे ब्रिज मोड में ला कर देखेंगे। तो यहाँ पर पावर सप्लाई आ चुकी है फ्रेंड। अब मैं यहाँ पर आपको एक चैनल की हनिंग सुनाई देता हूँ। तो देखिए, यहाँ पर ये स्पीकर को मैं सीधा रख लेता हूँ। तो देखिए, इस साइड का चैनल यहाँ पर आपको हनी आ रही होगी, यानी इसका एक चैनल सही है। तो देखिए, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि ये जो वायर है इस वाले पॉइंट के साथ कनेक्ट है। अब एक सेकंड मैं आपको दिखाता हूँ, पहले बार इस पॉइंट के साथ कनेक्ट था, अब मैं इस पॉइंट के साथ इसे वायर को कनेक्ट करके बताता हूँ।
तो देखिए साथियों, दोनों चैनल हमारे वर्किंग मोड में हैं, दोनों चैनल काम कर रहे हैं। तो यहाँ पर मैं बारीकी से टेस्टिंग के लिए यहाँ पर किसी स्क्रू ड्राइवर का, देखिए यहाँ पर मैं इस पेंचकस का यूज करता हूँ। तो देखिए चल, एक बार मैं टच करता हूँ तो ये काम करता है, यानी स्पीकर से हनिंग आती है। तो अब हम यहाँ पर GND से वायर हटाकर दोनों पॉजिटिव टर्न, यानी दोनों चैनलों के पॉजिटिव पॉजिटिव पॉइंटों पर, यानी दोनों कैपेसिटर के पॉइंटों पर वायर कनेक्ट करते हैं, क्या होता है। तो देखिए हमने दोनों पॉजिटिव टर्मिनल्स पे कनेक्ट कर दिए वायर। अब हम यहाँ पर हनिंग चेक करते हैं। तो देखिए अभी हनिंग आ रही है, लेकिन हनिंग उतनी ही आ रही जितनी आनी चाहिए थी। तो अब हम क्या करेंगे, एक चैनल को यहाँ पर GND के साथ कनेक्ट करेंगे, यानी एक चैनल के इनपुट को हम GND के साथ कनेक्ट कर देंगे। तो GND से आपको डायरेक्टली यहाँ पर GND के साथ कनेक्ट करना है, ऐसा नहीं कि कोई रजिस्ट्रेशन वगैरह लगाना है, आपको डायरेक्टली यहाँ पर GND के साथ कनेक्ट करना है। तो यहाँ फिलहाल में मैं यहाँ पर, तो देखिए साथ ही एक चैनल को हमने यहाँ पर GND के साथ, मैं यहाँ पर आपको नज़दीक से दिखाता हूँ, एक चैनल को हमने यहाँ पर GND के साथ कनेक्ट कर दिया, इस वाले चैनल को। तो इस चैनल हमारे यहाँ पर साइलेंट हो चुका है। अब हमें इनपुट सिग्नल देना है, वो यहाँ पर इस चैनल पर देना हुआ, इस चैनल पर। तो इसके पहले हमें क्या करना होगा कि इस चैनल के जो इसका नॉन इन्वर्टिंग इनपुट है, इसके इस वाले पॉइंट पर हमें इसकी आउटपुट से एक रजिस्ट्रेशन यहाँ पर लगानी होगी। तो यहाँ से हम एक रजिस्ट्रेशन लगाएंगे यहाँ पर। तो देखिए साथियों, यहाँ पर हमारे सारे कनेक्शन यहाँ पर कंप्लीट हो चुके हैं, आप इसके कनेक्शन यहाँ पर देख सकते हैं। तो देखिए इस चैनल के इनपुट को हमने GND के साथ कनेक्ट किया है, यहाँ पर जो स्पीकर के वायर हैं यहाँ पर GND के साथ कनेक्ट नहीं है, दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव टर्मिनल्स पर कनेक्ट हैं। तो देखिए जिस चैनल को हमने GND के साथ कनेक्ट किया है, उस चैनल पर ये वायर कनेक्ट है, और जो चैनल पर, जिस चैनल पर हम इनपुट सिग्नल देंगे इस वाले चैनल पर, तो उस चैनल के आउटपुट से लेकर हम एक यहाँ पर रिजेक्टेशन लगाएंगे, और इस रिजेक्टेशन को इस चैनल के नॉन इन्वर्टिंग इनपुट, यानी इस साइड से हम काउंट करेंगे, तो 1, 2, 3, 4 नंबर पिन पर एक कैपेसिटर लगेगा, लगा होगा। उस कैपेसिटर के बाद यहाँ पर एक रिजेक्टेशन के जरिए रिजेक्टेशन GND के साथ कनेक्ट हुई, उसी पॉइंट पर हमें इस रिजेक्टेशन के इस पॉइंट को कनेक्ट करना होगा। तो यानी इस कैपेसिटर के बाद हमें इस पॉइंट को कनेक्ट करना होता है। तो अब हमारा ये ब्रिज मोड में आकर कंप्लीट हो चुका है, इस प्रकार से आपको कनेक्शन करना है। तो देखिए इसकी हानिंग भी काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो चुकी है, देखिए। यानी इसकी आउटपुट पावर डबल हो चुकी है, पहले जो आउटपुट पावर आपको दो चैनल में मिलती थी, अब वो आउटपुट पावर आपको एक ही चैनल में देखने को मिल गई। इस प्रकार से आप एक यानी STT एम्पलीफायर को मोनो एम्पलीफायर में चेंज कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आए, तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, देन चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आशा करता हूँ आपके सारे कंसेप्ट यहाँ पर क्लियर हो हुए होंगे कि किस प्रकार से यहाँ पर ब्रिज मोड को लाया जाता है। तो ब्रिज मोड में लाने का फायदा ये होता है कि जो भी हमें यहाँ पर आउटपुट पावर दो चैनल में देखने को मिलती है, और उसका आउटपुट हमें एक ही चैनल में देखने को मिल जाता है। यानी हम अब हम यहाँ पर, पहले हम छोटी छोटी दो स्पीकर इस IC के लिए लगाते थे, अब हमें एक बड़ा स्पीकर इस IC के लिए यूज कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा कि यानी इस 6283 IC के बोर्ड को किस प्रकार से ब्रिज मोड में लाते हैं। तो ये कम्प्लीट वर्किंग है, यहाँ पर मैं ऑडियो टेस्ट नहीं करने वाला, यदि आप कमेंट करते हैं तो इसकी ऑडियो टेस्टिंग भी आपके लिए अवेलेबल करा दूंगा, नो डाउट नो कन्फ्यूजन। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा, तो इस वीडियो को लाइक दें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। देखिए फ्रेंड्स, वीडियो काफ़ी लेंथी होने के कारण हम यहाँ पर डिफरेंस को यहाँ पर आपके सामने नहीं रख पा रहे कि किस प्रकार से ये विदाउट ब्रिज मोड और ब्रिज मोड में ये कैसे काम करता है, यानी इसमें डिफरेंस क्या होता है, कितनी साउंड इंक्रीज होती है। तो नेक्स्ट वीडियो हम इसी टॉपिक पर बनाने वाले हैं कि किस प्रकार से इसे ब्रिज मोड में लाने पर कितनी साउंड इंक्रीज होती है। तो वहाँ पर हम साउंड टेस्टिंग के साथ यहाँ पर कंपेरिजन करेंगे कि ब्रिज मोड में लाने पर इसकी साउंड कितनी इंक्रीज होती है। तो उस वीडियो को देखना ना भूलें, वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है। और यदि आप इसी तरह की वीडियो देखना पसंद करते हैं तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।